दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड टू ऑफिशियली जो है कंफर्म हो चुका है 22 जुलाई को जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है और अमेजन एक्सक्लूसिव रहने वाला है। जैसे कि हम देखते ही हैं, वन प्लस के जो फोन है वो अमेजन एक्सक्लूसिव रहते हैं, तो आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड वर्सेज वन प्लस नॉर्ड टू। बेसिकली इन दोनों में क्या फर्क है। अभी कुछ दिनों पहले जो है वन प्लस नॉर्ड का एक कॉम्प्रोमाइज एडिशन फोन लॉन्च हुआ था, मतलब वन प्लस नॉर्ड सीई। एक्चुअल में उसका नाम जो है कोर एडिशन था, लेकिन हमने जो है नाम रखा था उसका वन प्लस नॉर्ड कॉम्प्रोमाइज एडिशन। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वन प्लस नॉर्ड टू रियली में जो है वन प्लस नॉर्ड का एक सक्सेसर मॉडल है। तो आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड वर्सेज वन प्लस नॉर्ड टू के बीच में, और देखने वाले हैं कि कौन सा फोन जो है बेस्ट रहने वाला है, वन प्लस नॉर्ड टू के अंदर क्या क्या अपग्रेड मिलेंगे, डिटेल में बात करने वाले गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, अमेजोन प्राइम डे सेल आने वाली है, सभी के प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहा हूं और साथ में जो आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको जो है कोई भी फोन परचेस करना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जो है परचेस कर सकते हैं और कमेंट पे भी जो है पिन कर दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बेसिकली क्या है, यहां पर आपको डिजाइन में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा OnePlus Nord एंड OnePlus Nord 2 के अंदर। एक्चुअल में क्या है, वहां पर आपको जो है सिर्फ कैमरे का डिजाइन फर्क देखने को मिलेगा और कलर के अंदर आपको जो है फर्क देखने को मिल सकता है। बेसिकली जो है बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये दोनों ही फोन जो है ग्लास बिल्ड के साथ में आते हैं, मतलब OnePlus Nord हमने देखा ही है ग्लास बिल्ड के साथ में, एंड OnePlus Nord 2 की बात करते हैं तो वो भी जो है ग्लास बिल्ड के साथ में आएगा। एंड गाइस, अगर बात करते हैं फ्रेम की, तो OnePlus Nord 2 के अंदर जो है फ्रेम होगा ना, वो होगा प्लास्टिक फ्रेम। एक्चुअल में क्या है, जो फ्रंट साइड ग्लास यूज किया जाएगा एंड बैक साइड जो है ग्लास यूज किया जाएगा, लेकिन जो मिड में जो फ्रेम होगा वो होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ में। और गाइस, अगर OnePlus Nord एंड OnePlus Nord 2 के फ्रंट डिजाइन की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको जो डिजाइन मिलेगा ना, वो दोनों ही फोन का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, कोई साइज में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 6.43 इंच का डिस्प्ले साइज होगा OnePlus Nord 2 का, एंड 6.44 इंच का डिस्प्ले है OnePlus Nord का, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वही होगा पंच होल स्क्रीन एंड फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगा 90 हर्ट्ज के साथ में OnePlus Nord 2 का। बेसिकली गाइस, आपको यहां पर जो है डिस्प्ले क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में क्या है, OnePlus Nord एंड OnePlus Nord 2 के जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है एंड डिस्प्ले क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दोनों ही फोन जो है HDR 10 Plus को सपोर्ट करेंगे, मतलब जो है OnePlus Nord 2 जो है HDR 10 Plus सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा गाइस, बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो दोनों ही फोन के अंदर जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जो है यूज किया गया है, मतलब OnePlus Nord 2 के अंदर जो है यूज होगा एंड OnePlus Nord के अंदर हम जो है ऑलरेडी देख रहे हैं गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस, इन दोनों में फर्क क्या है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिस्प्ले क्वालिटी तो सेम है, तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा बड़ा फर्क देखने को मिलेगा वो है यहां पे परफॉर्मेंस का। दोनों ही फोन एक्चुअल में 5G है, लेकिन आपको यहां पे चिपसेट में आपको फर्क देखने को मिलेगा। OnePlus Nord 2 के अंदर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आपको यहां पे जो है मेडटेक का डायमेंसिटी 1200 AI वाला चिपसेट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहां पे जो है 5G बेस्ड है। एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, नो डाउट हम जो है Realme के फोन में परफॉर्मेंस ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपको एक ऑसम परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा OnePlus Nord 2 का डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ में। और यहां पर AI का भी जो है ऑप्टिमाइज यूज किया गया है, मतलब जो है AI भी वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि अगर Realme के फोन से कंपेयर करते हैं डायमेंसिटी 1200 से, तो उससे भी एक एडवांस मिलेगा, क्योंकि यहां पे AI टेक्नोलॉजी जो है यूज की जाएगी। गाइस, जरूर से चेक करेंगे जब हमारे पास फोन अवेलेबल होगा। और गाइस, बात करते हैं OnePlus Nord की, तो वहां पर जो चिपसेट यूज किया गया था वो है Snapdragon 765G। उस टाइम के अकॉर्डिंग और उस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो जो है चिपसेट अच्छा था, लेकिन अगर हम अभी कंपेयर करते हैं तो डायमेंसिटी 1200 जो चिपसेट होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा Snapdragon 765G से। और गाइस, अगर बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो मेन कैमरा होगा 50 MP का OnePlus Nord 2 के अंदर। एंड बात करता हूं वही मैं आपको जो है OnePlus Nord की, तो 48 MP का यूज किया गया है कैमरा सेंसर। लेकिन अगर मैं यहां पे कैमरा सेंसर की बात करता हूं OnePlus Nord 2 के अंदर, तो वहां पे यूज किया जाएगा सोनी MX766, जिसका परफॉर्मेंस आपको जो है बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, OnePlus Nord 2 के अंदर जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है यूज किया जाएगा। जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज कैप्चर करने के लिए। थर्ड वाला जो कैमरा है वो वहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि वो मोनो कैमरा होगा या फिर जो है मैक्रो होगा, तो यहां पर कंफ्यूजन है। लेकिन प्राइमरी जो कैमरा होगा वो होगा 50 MP का, सेकेंडरी होगा 8 MP का, एंड थर्ड वाला जो है 5 MP का जो है कैमरा हो सकता है। और गाइस, अगर बात करते हैं यहां पे OnePlus Nord की, तो वही सेम आपको कैमरा सेटअप मिलता है 48 855 MP का आपको जो है देखने को मिलता है। फ्रंट कैम की अगर बात करते हैं तो आपको मिलेगा वहां पर 32 MP का कैमरा। नो डाउट आपको यहां पर फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस जो है OnePlus Nord के अंदर भी अच्छा देखने को मिला था, और वही सेम परफॉर्मेंस जो है OnePlus Nord 2 के अंदर भी जो है देखने को मिलेगा। और गाइस, इसके अलावा बात करते हैं OnePlus Nord 2 के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहां पर जो बैटरी
बैटरी होगी ना वो होगी 4500 mAh की बैटरी एंड 30W का जो है आपको इनबॉक्स में चार्जर देखने को मिलेगा। एंड अगर वन प्लस नॉट की बात करते हैं तो आपको मिलती है बैटरी 4115 mAh की बैटरी और 30W का जो है चार्जर आपको देखने को मिलेगा। बैटरी में जो है डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लगभग आपको जो है 8 से 9 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस जो है इजिली से देखने को मिलेगा अगर आप 60Hz पे इस फोन को यूज करोगे तो, और 90Hz पे यूज करोगे तो लगभग आपको जो है 7.5 घंटे का आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस जो है इजिली से जो है देखने को मिल जाएगा OnePlus Nord 2 का, क्योंकि फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है वो बैटरी को कंजप्शन जो है कम करता है एंड बैटरी परफॉर्मेंस जो है अच्छा देता है। और गाइस अगर बात करते हैं OS की तो आपको जो है ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा जो कि एक यहां पे बिल्कुल स्मूथ काम करता है और एक परफॉर्मेंस वाइज में एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन OS। यहां पे हम जो है OnePlus के ऑलमोस्ट सभी फोन में देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ओप्पो के साथ में जो है ये मर्ज हो गया है तो क्या इसमें कलर OS मिलेगा? नहीं, अभी जो है OnePlus के फोन के अंदर जो है सभी में आपको ऑक्सीजन OS ही देखने को मिलेगा। और अगर एडवांस फीचर की बात करते हैं तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिलेगा OnePlus Nord 2 के अंदर अकॉर्डिंग टू लीक्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे स्लाइडर की तो आपको जो है अलर्ट स्लाइडर वाला जो बटन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 3.5mm जैक का सपोर्ट आपको जो है OnePlus Nord 2 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस अगर बात करते हैं सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की तो वही होगा ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। OnePlus Nord के अंदर हम देख चुके हैं, OnePlus Nord 2 के अंदर हम जो है देखेंगे। तो गाइस ये था एक डिटेल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन जहां पे हमने आपको बताया कि किस चीज में जो है OnePlus Nord 2 बेटर है। और बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट होगा 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। एक्सपेक्टेड जो प्राइस है OnePlus Nord 2 की वो है यहां पे 28-29 या फिर जो है मैक्सिमम 30,000 rupees जो है हो सकता है। तो गाइस अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो OnePlus Nord 2 जो है रियली में एक सक्सेसर फोन जो है OnePlus Nord का जो है बन जाएगा। तो गाइस ये था एक आज के वीडियो में, उम्मीद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, OnePlus Nord 2 के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो है सभी लिंक दिए हुए हैं, अगर आपको कोई फोन परचेस करना है तो डेफिनेटली आप जो है उस लिंक के थ्रू परचेस करना, जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, आपको वही अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।